कथा को पढ़ते हैं, रूत की किताब को जब पढ़ते हैं पहले अध्याय से, तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि रूत जो है परमेश्वर का, यहूदा का बैतल हम अपना छोड़ करके वो मोआब देश में चली जाती है। आपको मालूम है कि आप जिस तरीके का डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं उसी आधार पर आपको आशीष मिलने वाली होती है। आपका निर्णय आत्मिक है या आपका निर्णय शारीरिक है। कुछ लोग बोल देते मेरे पास पैसा है। आज के 7 साल पहले एक विश्वासी था, वो बहुत अच्छा विश्वास करने वाला व्यक्ति था और वो चर्च में आया और उसका बेटे का जो है ब्लड जहां से बनता है, खून जहां से बनता है, वो चीज खराब हो गया था। ध्यान से सुनिए, वो खराब हो गया था और माइग्रेन बोलते उसको ऐसा कुछ, वो खराब हो गया था जहां से खून बनता है। आपको पता है उसने क्या कहा? मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा है, कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। वो चर्च आ रहा था। कितनी बार यहां के लीडरों ने समझाया, आप ऐसा मत बोलिए, आपका पैसा नहीं बचा सकता। नहीं, मेरे पास बहुत खेत है, 6 बीघे खेत था उसके पास और बोला मैं कुछ भी हो जाए। वो जब वो अपने अहंकार में, जब अपने अपने अहंकार में, अपने बल में, जैसे अभी पतरस, सारी रात अपना बल इस्तेमाल किया, सारी रात अपना बुद्धि इस्तेमाल किया, सारी रात अपना तरकीब इस्तेमाल किया, पर सुबह क्या लगा उसके हाथ में? निराशा, निराशा, कोई फल उसके हाथ में नहीं था। वो व्यक्ति बोला कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को बचा के रहूंगा। ओ आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप प्रभु के साथ आइए, प्रभु पर निर्भर रहिए। उसने कहा नहीं, मैं आता जरूर हूं लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। ध्यान से सुनिए, यहां की प्रेयर ने, यहां की प्रार्थनाओं ने उस बेटे के, जो आपको मैं बताऊं आप डर जाएंगे उसके बॉडी को देखकर, उसके हर एक अंग से खून निकलता था, शरीर के हर एक, हमारे शरीर में जगह होती है जहां से पसीना निकलता है, वहां से उसके अस्था, उसके क्या निकलता था मालूम है? खून निकलता था। आंख से खून आता था, शरीर से, इन चमड़ों से खून निकल आता था। ऐसा रोग उसको हो गया था और यीशु ने उसको चंगा कर दिया। और जानते, जब यीशु ने उसको चंगा किया, 1 साल तक वो बिल्कुल चंगा हो गया, 1 साल उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस समय वो चंगा हुआ, उसका पिता अंदर से कुछ सही नहीं हो पाया था और उसने कहीं उसको दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेज दिया। देखिए, चंगा हुआ, गवाही नहीं दिया, 1 साल बीत गया, चर्च नहीं आया, बंद कर दिया चर्च आना। ध्यान से सुनो, उसने बोला मेरी दवा ने उसको चंगा किया है। जरा ध्यान से सोचिएगा, बहुत सारे लोग यही आज सोचते हैं, जब वो थक जाते और एकदम निराश हो जाते और जब वो प्रभु के पास आते तो वो दवा भी शायद वो करते रहते, इलाज भी वो करते रहते। मैं मानता हूं कि दवा से वो चीजें ठीक होती है, कुछ मामले सही हल होते, पर जब वो थक करके प्रभु के पास आएगा और जब यहां छुटकारा मिलेगा तो बोलेगा कि सब कुछ मेडिसिन से हुआ। और ऐसी गलती उस व्यक्ति ने किया, वो खेत बिक गया, सब कुछ बिक गया उसका, बहुत सारा धन खर्च कर दिया, पर यीशु ने जब चंगा कर दिया उसे तो गवाही देने तक यहां नहीं आया और 1 साल उसे कुछ भी नहीं हुआ। और वो लड़का पढ़ने लगा अपना बाहर जा करके, 1 साल के बाद वही काम फिर से शुरू हुआ और उसका पूरा खून निकल गया और उसकी डेथ हो गई। वो ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल का था। हमारी बात सुनो, इसका बताने का मतलब, आप अगर परमेश्वर के साथ में, वो आपको बचा सकता है। आप अगर, आपके जीवन में जो दवाएं नहीं काम करती हैं, आपके जीवन में जो आप कुछ भी खाते आपको बल नहीं मिलता है, परमेश्वर आपके जीवन को सही कर सकते, पर नो, आपका बल नहीं है वहां, मनुष्य का बल नहीं है। डॉक्टर भी जब किसी को ऑपरेट करता है, जब ऑपरेशन करता है तो वो क्या बोलता है? ओ जी, वो ऊपर वाला है जी, वो ईश्वर चाहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। बातों को समझो, एक छोटी बेटी थी जिसका ऑपरेशन होने वाला था, छोटी बेटी थी, 4 या 5 साल की बच्ची थी वो, 4 साल की, और उसका ऑपरेशन डॉक्टर करने वाला था, कोई तकलीफ था उसके अंदर और जो ऑपरेशन करने वाला था डॉक्टर वो हो ही नहीं सकता था। वो ऑपरेशन ऐसा था, या तो वो लड़की मर जाएगी और कुछ नहीं चाह रहा था, एक ही रास्ता था। और माता पिता उसको सौंप चुके थे कि अब डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, केवल ऑपरेशन ही एक रास्ता था, वो भी सफल हो या ना हो, 90% असफल होता है वो, 90%
वो ऑपरेशन सफल नहीं होता, 10% सफल होता है, ऐसा बड़ा गुंजाइश नहीं थी। पर जब जिस समय वो डॉक्टर उस लड़की को ऑपरेशन करने के था, तो उस छोटी बच्ची ने कहा, अंकल 2 मिनट रुकिए। उसने कहा, बेटी क्या है? उसने कहा, मैं प्रार्थना करूंगी। क्या करूंगी? प्रार्थना। डॉक्टर साहब बगल खड़े हो गए, वो प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करके प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में, प्रभु जो मेरा ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अंकल हैं, प्रभु उनको बुद्धि दे, उनको ताकत दे कि वो मेरा ऑपरेशन सही से कर सकें। उस लड़की को नहीं पता कि ये ऑपरेशन इतना कठिन है, जरा ध्यान से सुनो, पर डॉक्टर को पता है कि ये ऑपरेशन बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, ये गलत हो सकता है, बेटी मर सकती है। पर वो बिटिया ने प्रार्थना किया, बेटी ने, कि हे मेरे प्रभु, डॉक्टर अंकल को बुद्धि दे, शक्ति दे प्रभु, कि ये ऑपरेशन जो हमारा करने के लिए जा रहे हैं एकदम अच्छा ऑपरेशन करे और मैं ठीक हो जाऊं। इस ऑपरेशन के बाद, मतलब जब वो प्रार्थना कर चुकी और डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन कर लिया, तो वो बाहर जब ऑपरेशन करके बाहर गया तो एकदम वो चौंक गया। जब वो वापस आता है, पूरी रीत से मैं आपको बताऊं, वो जो ऑपरेशन डॉक्टर ने किया था वो 100% एकदम क्लीन, एकदम सही हुआ और उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई और वो बेटी चंगी थी एकदम ईश्वर के नाम में। और सुनो, उसी समय से वो डॉक्टर जो यीशु को नहीं जानता था, यीशु पर विश्वास किया और वो भी यीशु मसीह का चेला हो गया, यीशु नासरी के नाम में। असंभव कामों को संभव करता है, आमीन। हर एक असंभव काम को वो संभव करता है मेरे प्रिय। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर